ब्रेक के बाद बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता दें। राजद्रोह मामले में आईपीएस जीपी सिंह को बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूरी प्रोसीडिंग पर रोक लगा दी है। भूपेश बघेल सरकार ने यह मामला दर्ज किया था। इससे पहले सीएटी से भी जीपी सिंह को राहत मिली थी और अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी प्रोसीडिंग पर रोक लगा दी है। अधिकारी है जीपी सिंह और बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। भूपेश बघेल सरकार ने जो मामला दर्ज किया था, अब छत्तीसगढ़ के 94 बैच के आईपीएस हैं जीपी सिंह। राजद्रोह के केस की प्रोसीडिंग पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के शिकंजे एसीबी ने पूरी कार्रवाई की थी और तब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर थे जीपी सिंह। राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था। सरकारी बंगले से चिट्ठियां मिले थे, फटे हुए पन्ने, पेनड्राइव मिली थी। सरकार विरोधी गतिविधियों की बात सामने आई थी। इधर सूरजपुर में बिना दुल्हन के लौट गई बारात। दहेज में 4 लाख की मांग की जा रही थी। दोनों पक्षों में विवाद के बाद मारपीट हो गई। पिता कर्ज लेकर लड़की की शादी कर रहा था। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। रामानंद नगर थाना इलाके के नारायणपुर का यह पूरा मामला है। बिना दुल्हन के बारात वापस लौट गई। सूरजपुर का यह मामला है। निकाह यहां पर हुआ था, 4 लाख मांगे जा रहे थे और देखिए उसके बाद क्या स्थितियां हुई। दोनों पक्षों में कुर्सियां तोड़ दी गई, जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्ष थाने पहुंचे हैं। रामानुज नगर थाना इलाका लगता है, नारायणपुर का पूरा मामला है। निकाह हो गया लेकिन बिना दुल्हन के बारात वापस लौट गई। इधर बिलासपुर में चलती कार में आग लग गई और इसमें दंपति सवार थे। पत्नी ने चलती कार से कूदकर, दोनों ने, पति पत्नी ने कूदकर अपनी जान बचाई है। बिलासपुर कोरबा नेशनल हाईवे का ये पूरा मामला है। बगदेवा बॉर्डर के पास आग लगी, देखते ही देखते इसने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। कोरबा से बिलासपुर ये दंपति जा रहे थे, कार सवार दंपति, और इसमें आग लग गई। पति पत्नी ने चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई। बिलासपुर कोरबा नेशनल हाईवे बगदेवा बॉर्डर के पास का ये पूरा घटनाक्रम। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में आए टॉपर्स से वीडियो कॉल पर बातचीत की। सीएम साय ने छात्रों को बधाई दी और उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा। मुख्यमंत्री से सीधे वीडियो कॉल पर जुड़कर विद्यार्थी बहुत खुश हुए। पेरेंट्स को भी बधाई शुभकामनाएं। yes, अच्छा आपके पापा भी है, कौन है? yes, आपने अपने जिले का नाम रोशन किया है जसपुर का। yes, बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आपके पेरेंट्स को भी बधाई शुभकामनाएं। हमारी भी बच्ची है, क्या आप बनने का इच्छा है बेटा आगे? सर चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है, सीए बनना है। सीए बनना है, चलिए आपको शुभकामनाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना? yes, चलिए फिर जसपुर आएंगे तो कोई मुलाकात होगी। ठीक yes, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।